अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और आज हम ये देखेंगे कि हम जो फोटोशॉप में किसी भी फाइल को इमेज में एक्सपोर्ट करते हैं या सेव एज करते हैं तो तब जो फाइल नॉट फाउंड का एरर आता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप फोटोशॉप ओपन करें। मैं काफ़ी जो है ना परेशान हुआ था जब मैंने न्यू डिज़ाइन बनाया तो मैंने उसको सेव करने की कोशिश की पर वो सेव नहीं हुआ, तो कुछ एरर उसने दिया। तो आज हम इसी एरर को देखेंगे। मैंने सोचा कि यार इस पे वीडियो बननी चाहिए एक। तो सबसे पहले आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सॉरी प्रोजेक्ट ओपन कर लें। अच्छा गाइस, तो ये है डिज़ाइन, ये है PSD में। इसको मैंने JPG इमेज में कन्वर्ट करना है, सेव एज करूँगा मैं। यहाँ से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं, तो यहाँ से सेव एज भी से भी कर सकते हैं। मैं सेव एज से ही करूँगा। यहाँ से इसको मैं JPG रखूँगा, इसको सेव करूँगा। ये देखें गाइस, फाइल नॉट फाउंड और चेकिंग द फाइल नेम एंड ट्राई अगेन। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका आसान हल ये है कि आप इसको क्रॉस क्रॉस करें, उसके बाद यहाँ से अगर आप विंडो डिफेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसको ओपन करें, सेटिंग में जाएं, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अलाउ ऐप थ्रॉट कंट्रोल्स। अच्छा, अब ये क्या करता है कि जब हमने फोटोशॉप को ओपन किया, कुछ उसके फीचर्स होते हैं जो विंडो उसको ऑन नहीं करने देता। वायरसेस की वजह से कुछ उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, उसकी वजह से उसको ऑन नहीं करता। इसके लिए हम उसको अलाउ जो है ना एक्सेस देते हैं फुली। तो यहाँ से हम फोटोशॉप को सिलेक्ट कर लेंगे। आप अपने डायरेक्टरी में जाएं, जहाँ पर फोटोशॉप एडोब में जाएं, फोटोशॉप CC, उसके बाद यहाँ पर ये देखें फोटोशॉप, इसको ओपन करें, यस कर दें। तो ये देखें, ये फोटोशॉप आपके साथ सामने ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने फोटोशॉप को दोबारा ओपन करना है। तो लास्ट टाइम हमने ये मूवीज ऑन PSD कैंसिल सॉरी फाइल में आए, सेव एज में आए, यहां से JPG सेलेक्ट करें, सेव करें। ये देखें गाइस, ये सेव होगी आपकी जो इमेज प्रोजेक्ट है उसको आप किसी भी इमेज PNG में, JPG में, SGV में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो होगा। अब इसको ओके करें, अब देख लेते हैं वाकई सेव हुई है कि नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें, ये वाकई इमेज सेव हो गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।